कैसे हो तुम लोग? हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हम इसमें ऐसे मेथड की बात करेंगे जिससे आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में नहीं सोचोगे, आप प्योर मैथमेटिक्स यूज करोगे और आप रिएक्शन को चुटकियों में बैलेंस कर दोगे। तो आइए इसको देखते हैं। मान लो एक रिएक्शन हमने लिया N2+H2 और ये बन गया NH3 अमोनिया, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है? अब जानते हो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब मास कंजर्वेशन क्या बोलता है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। रिएक्शन के पहले जो मास होगा, रिएक्शन के बाद भी वही मास होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जितने एटम होंगे तो राइट हैंड साइड में भी उतने नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आप क्या करो, इसको आप एक्स बोल दो, इस वाले को वाई बोल दो और इसको बोल दो आप जेड, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है? अगर इधर देखो जितने नंबर ऑफ N2 के एटम इधर होंगे, नाइट्रोजन के एटम होंगे, उतने ही नाइट्रोजन के एटम इधर भी होंगे। जितने हाइड्रोजन के एटम इस साइड होंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम इस साइड होंगे। तो चलो इसको हम कंपेयर कर देते हैं। बताओ इधर नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2x, इसको आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिख लो राइट हैंड साइड। इधर देखो कितने हैं, 2 × x 2x। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? हाइड्रोजन के एटम 2 × y 2y, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? ये जेड है तुम्हारा जेड, तो नाइट्रोजन कितने हैं? जेड है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3z, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है? इधर जो नाइट्रोजन के एटम होंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों एटम क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसके लिए? फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। अगर इसके लिए लगाते हो नाइट्रोजन के लिए तो क्या पाओगे? 2x इक्वल टू जेड, 2x इक्वल टू जेड मिल गया। इसका मतलब क्या है? अगर आप x बाई जेड करते हो, x बाई जेड देखो इधर मिलेगा आपको 1/2, इट मीन्स x की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 2, ठीक है। कंपेयर कर लो, x का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 2। अब इधर देख लो तुम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किसके लिए लगा लो? फॉर हाइड्रोजन के लिए। तो देखो 2y इक्वल टू अब क्या करोगे? 3z, 2y इक्वल टू 3z। अभी आपको z का वैल्यू मालूम है कितना है? 2, तो लिख लो 3 × 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, दिस इंप्लाई y का वैल्यू आ गया 3। ये तो जस्ट एक सिंपल केस है, देखो जिसमें तुम्हारा हीट एंड ट्रायल आसानी से लग जाए, देन यू आर फ्री टू यूज हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आप हीट एंड ट्रायल नहीं लगा पाओगे, लगाओगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आप इजीली बाय द हेल्प ऑफ मैथ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इधर y का वैल्यू कितना मिल गया? 3, x का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब x के जगह पर क्या लिखोगे तुम? 1 लिखोगे, तो दैट मीन्स N2। y के जगह पे क्या लिखोगे? 3, दैट इज 3H2। इधर देखो z के जगह पे क्या लिखोगे? 2, तो हो जाएगा 2NH3। अब इधर देखो नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन 3 × 6 × 6। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अभी हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि हमारा ऑर्गेनिक का है। अब उसको आप पहले हीट एंड ट्रायल से करना, उसके बाद अगर हीट एंड ट्रायल से हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो मेथड की बात हमने किया है आप उससे करके देखो, बहुत ही मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक हमारा हाइड्रोकार्बन है C2H6,
दिस इज एथेन। जब भी आप एल्केन एल्केन इनको क्या बोलते हैं, हम एल्केन बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर फोर पढ़ोगे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपको पता चल जाएगा। तो जब एथेन का रिएक्शन आप किससे करा दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दोगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही होगा रिएक्शन। अब पहले वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, लग जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जिस मेथड की हमने बात की आप इससे करके एक बार देखो। तो चलिए आप सबसे पहले क्या करो, देखो हमारा सोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा। आप इधर क्या ले लो, एक्स ले लो C2H6, वाई ले लो YO2, अब इधर ले लो ZCO2, इधर ले लो WH2O, ठीक है। अब पहले तो बात कर लो कार्बन की, कार्बन के कितने एटम, 2 × X। एक इधर की बात हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आप बात कर लो राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, जेड हैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 6 × X, 6X हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2W, अरे भाई 2 × W, 2W। अब बात कर लो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखो 2 × Y, 2Y, इधर देखो 2 × Z, 2Z, 2 × Z, 2Z प्लस W, इधर कितने ऑक्सीजन है, W, तो हो जाएगा W, ठीक है। अरे देखो जोड़ोगे ना यार, मान लो ये नहीं रहता तो इधर जोड़ लेते, ये नहीं रहता तो इधर जोड़ लेते, 3 जोड़ते कि नहीं जोड़ते, इसको भी तो हमने जोड़ा है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इधर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उस साइड उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। तो 2x, इधर से देखो कार्बन के लिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, 2x इक्वल टू जेड। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बाई जेड इक्वल टू 1/2, x का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2, यही मिल गया आपको। अब इसको इक्वल कर लो हाइड्रोजन के लिए, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 2W, और देखो x का वैल्यू कितना है, 1, तो हो जाएगा 6 × 1 इक्वल टू 2W, दूसरे काट दो 3, तो आ गया W का वैल्यू 3 आ गया, राइट। अब हम बात किसके करेंगे, इस ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब देखो ऑक्सीजन के लिए क्या है, 2y इक्वल टू होगा 2z प्लस W, ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं। अभी देखो अपन W की बात, W का वैल्यू निकाल लिए हैं, W का वैल्यू कितना है, 3 है, z का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 × 2, तो देखो 2, 4, 3, 7, y का वैल्यू आएगा 7/2, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है। तो देखो x के जगह पर आप कितना लिखोगे, 1 लिख लो, तो 1 लिखो या ना लिखो, चलो 1 लिख दिया। अभी देखो y के जगह पर कितना आया तुम्हारा, 7/2 आ गया y के जगह पर, और देखो इधर क्या है, z कितना आया भाई, 2 आया, जेड 2 आ गया। W कितना आया है, W आया है 3, ठीक है, W आया है 3। अब देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप कार्बन कितने, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, हाइड्रोजन ऑक्स हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन इधर है, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन इस साइड में है। देखो 2 से 2 कटेगा, 7 ऑक्सीजन इधर है, देखो 3 तो इधर हो गए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7 ऑक्सीजन भी है। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो देखो इस केस में आप 7/2 सोच नहीं सकते हो, हीट एंड ट्रायल आप लगाओगे तो 7/2 आप इजीली सोच नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें आपका हीट एंड ट्रायल फेल हो जाएगा, तो आप इसको अगर आप इस मेथड से करोगे तो कभी भी आप फेल नहीं होगे, ठीक है। तो गाइस आशा करते हैं आपको मजा आया होगा पढ़ने में, और अपना तैयारी आप करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।